shit! You bitch! ची! ओ मेरा कैमरा भाई, मेरा कैमरा सेल्फ। मैं तो इसको, मैं तो इतनी केपेबल नहीं मानता। जब हम वहां फंसे थे ना, मुझे लग रहा था कि हम फंस गए हैं, बट फिर मकड़ी अटकी है। कहां? Oh no! भाई हर्ष भाई ट्राई कर रहे हैं फोर व्हील ड्राइव को, थोड़ा गंदे भाई इसमें ट्रक घुसते हैं भाई, और भाई गंदा ट्रैक्शन लूज हो रहा है, ट्रैक्शन लूज हो रहा है गंदा। ओ रे भाई, बस बस ओ गाड़ी देख। ओ देखो कौन सा रेडियो था भाई, कौन सा रेडियो था ये देखो भाई, पूरा हैंडल मोड़ रखा है, दबकी गाड़ी मोड़ी नहीं हो रहा, पूरा ये देखो भाई, बस 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 भाई बस। अब देखो तो यहाँ से ऐसे निकालियो कि रॉड ना लगे नीचे। अब रॉड किसमें लगी थी, मिट्टी में? हाँ, जो मिट्टी का धसा बैच ऊंचा है ना, देख ना, रुक जा, अब एक चीज ट्राई करते हैं, रुक जा, लेट्स ट्राई हिल डिसेंट कंट्रोल। ओके, फर्स्ट गियर रेडी, फर्स्ट गियर लगा, रेडी आ गया, ठीक है रेडी। सर क्लच छोड़ दो, धीरे धीरे क्लच छोड़ दे, पूरा क्लच छोड़ दे, छोड़ दे, जान दे, लेट सी ये ब्रेक कैसे लगा है, इधर करते हैं, इधर करते हैं, ये देखो भाई थोड़ी धंसी नीचे। ओ भाई गंदा मैच था भाई ये भी थोड़ा, बस भाई हमें ये मोड्स के बारे में एजुकेट कीजिए प्लीज। भाई ये स्नो है, आप देख सकते हो स्नो की पत्ती लगी हुई ठंडी सी, देख सकते हो, अगर ठंडी नहीं है ठीक है, स्नो है ये मड रेड जो हमने लगाया दिसंबर भाई, भाई मुझे लग रहा था कि ये गिमिक है, मड रेड निकाल रहा है, ये डेजर्ट है, ये डेजर्ट वाला भाई। भाई इसमें डिफरेंस क्या करते होंगे भाई, आई गेस ट्रैक्शन कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ तो होता होगा भाई, आई एम नॉट श्योर बट पता नहीं भाई, भाई आई गेस एक ऑफ रोड गाड़ी के लिए मौसम हेवन है। और ये तो अभी हम लोकल में, मतलब सोच लोकल में, पहाड़ में जाओ भाई, पहाड़ में जाओ एक्सप्लोर करो, पर ये है कि भाई दो गाड़ी होनी चाहिए हमेशा, ज्यादा होनी चाहिए भाई, दो से मिनिमम, दो तो होनी चाहिए भाई, मिनिमम दो तो होनी चाहिए, क्योंकि अभी जब हमें फंसे थे ना तो हमारी शक्लों पे 12 बज गए थे कि किसे बुलाया है, और हमें भाई इक्विपमेंट्स भी नहीं है अभी, हम मतलब टो स्ट्रैप नहीं है हम पे, कोई एक बंपर जाएगा, बंपर जाएगा भाई। तो भाई फाइनली हम बाहर आ चुके हैं अपने हाईवे पे मेन, मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो हैज आउटडन इटसेल्फ, मैं तो इसको, मैं तो इतनी केपेबल नहीं मानता, जब हम वहां फंसे थे ना मुझे लग रहा था कि हम फंस गए हैं, बट फिर भाई ये जो गिमिक मोड्स जिनको मैं समझता था वैभव भाई ने लगाए, और इसमें वैभव की भी वो तो है भाई, लेकिन ये गाड़ी बंद कैसे नहीं हुई, मैं तो ये सोच रहा हूँ बंद, मतलब तुमने पूरा ट्रैक्शन कर रखा है, गाड़ी मूव नहीं कर रही, उस लॉजिक से तो बंद नहीं हो जानी चाहिए, पहिए घूम रहे हैं ना, पहिए घूम रहे हैं भाई, पहिए घूम रहे हैं बड़े भाई, उसे तो लग रहा है आगे जा रही है गाड़ी पर क्या पता कीचड़ और धसा है, पर भाई सिस्टम मतलब मुझे भी लगा था कि थोड़ा बहुत करता होगा भाई, पर फोर लो जब फेल हुआ और ये सिस्टम लगा, फेल होना बहुत बड़ी बात है भाई, फोर लो जब भाई सही में फोर लो, लो फुल कैपेसिटी, 370 न्यूटन मीटर देना ही देना है इसको, 370 न्यूटन मीटर देना ही देना है भाई, फिर लेकिन फिर भाई इसने क्या करा होगा, पता नहीं भाई इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या होगा, क्या करा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स भाई, ये हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बस गिमिक है और वो दिक्कत बनाते हैं, नहीं भाई महिंद्रा की चाहे कितनी भी स्क्रीन जैम होती हो 4x4 एक नंबर है भाई, मुझे लगता ना ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करता होगा सिर्फ उसी टायर में, कि ये लॉक टायर ना पूरी इधर भेज दो, पूरी यही इधर भेज दो, और ये लॉक कैसे करता होगा, लेकिन भाई जैसे भी MLDS इसमें मल्टी लॉकिंग डिफरेंशियल, वो टू व्हीलर में भी ड्राइव करता होता, टक नहीं देता, तो वही सिस्टम कुछ होता होगा भाई, बाकी तीन को लॉक पावर 4x4 में इतनी कैपेबल, पर कभी-कभी ये फर्श पे फिसल जाती है, हां वो तो है, वो तो भाई मजा आ गया, पर मजा आ गया, मजा आ गया यार, इसका मास कितना होगा, वजन भाई, दो और दो टन, मुझे तो लग रहा था कि
की बैठ गई है गाड़ी, मतलब तू बोले जा रहा था, मैं मेरे दिमाग में वो चल रहे थे सिमुलेशन ब्लैक, जब रात के 8-9 बज जाएंगे हम किसी को बुला रहे होंगे। नहीं नहीं भाई अभी तो निकलना था भाई, YouTube की जो ऑफरोड वीडियो इतनी चाटी है ना भाई रॉकिंग उसे रॉकिंग इफेक्ट कहते हैं कि जब तुम अटक रहे हो आगे पीछे करो आगे पीछे करो भाई। पर एक पल का तो मैं भी थोड़ा ब्लैंक हो गया था, मेरी धक-धक हो गई थी, पहली बार हुआ मेरे साथ ये इसकी आँख क्या हो गया भाई ये क्या हो गया, रुको 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 मोड करते हैं, भगवान हमारे साथ है निकाल दो भाई, निकल गई और भाई निकल गई भाई गंदा। क्या लगता है कि जैसे हमारा जो ये व्लॉग होगा इसमें व्यूअर्स पता क्या कहेंगे यार, लेकिन हम नहीं कर सकते, हम इसको 10 बार नहीं कर सकते वैसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जैसे वो जो YouTube यार यूट्यूबर्स की स्किन में क्या कौन सा टाइटेनियम होता है कि भाई क्योंकि उनके लिए बहुत कॉमन चीज है जो हमारे लिए वो एड्रेनलिन था और अबे उनका उनने कब कर लिया होगा ना भाई, जब रिकॉर्ड भी नहीं करते होगा उन्होंने कर लिया होगा ये, प्लस उनका वो भी है कि भाई इससे पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं भाई कंटेंट है, अब हमारे पैसे कब दिलवा रहे हो भाई 1000 सब्सक्राइबर करवा दो भाई इस वीडियो से। अरे भाई चलो दिस वाज टू मच फन, दिस वाज टू मच फन, और वो भी तगड़ा था वो जो वहां से जब आए थे जब नीचे भी तो गए थे उसमें, हां गड्डो को देख कर भैया क्योंकि हमें ऑफ रोड में स्लो होता है। कैसा तालाब सड़क के बीच में भाई, पर गंदा खड्डा भाई, दिस बुलेरो वाला शुड ट्राई बट ही वोंट, नो ही वोंट, पार्शियली पार्शियल थोड़ा सा, वो वो बस ये पैच भाई 15 साल से ठीक नहीं हुआ है भाई भाई भाई। यहाँ से यूटर्न करने का तो फायदा नहीं है, आपका सारा चल जाएगा, गड्ढे यहीं से शुरू होता है ना, हमारा पीछे है वो ट्रैक जो आपको करना है। पंगे ले रहे हैं भाई, पंगे ले रहे हैं और तो क्या ही बोलूं। अरे कार इज टू गड्ढा, इस गड्ढे में बिल्कुल आराम से वीडियो जस्टिस नहीं करता वैसे तो। एक्सीलेटर 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 क्लच हटा दे, क्लच से बाहर फुल है भाई, ये सॉलिड है वैसे, वही चीज है वैसे मेन तो जो है, पर बात ट्रक्स ने कर रखा है ना। फुल थ्रॉटल है, व्हील इतनी तेज घूम रहा होगा, घूम रहे हैं यार भाई, फोर वे बोला एंगेज पूरे गड्ढे में मच जाए तू देख कैसे स्लाइड होती है उस तरह इधर से जाना पड़ेगा, कैसी घूम जाती है मिनट से पहले, मिनट से पहले घूम जाती है भाई पत्थर क्या। ओ भाई ओ।
इसका स्टीयरिंग इतना लाइट कैसे है? बाहर आ चुके हैं भाई फाइनली, आगे टोपी रख रखी है भाई उसने भाई। तो जो हम हमारा पार्ट मिस हो गया था उसके बाद सबने व्लॉग शुरू करा, वो पार्ट हम आपको दिखाएंगे तो वो भाई अब हर्ष भाई एक्सपीरियंस क्रिएट करने आ गए हैं, हर्ष भाई एक्सपीरियंस करेंगे उसको, लेट्स सी कि गाड़ी कितनी बार हमें ट्रैक्टर की कमी पड़ती है। तो हमें तो पड़ेगी नहीं, जहाँ से हम निकल आए हैं उसके बाद तो भाई थोड़ी मतलब इंटेंस ऑफ रोडिंग कर सकती है, पर भाई इसका मेन भाई वो इंटेंस ही थी क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि हम एक मोमेंटम में निकाल रहे हैं, वो वहां खड़ी होके धस गई थी। हां देख के भाई सोनेट को हर्ष भाई देख के आओ, देख 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 अपनी साइड कर, उधर कर, उधर कर, उधर कर, चल 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 ले 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 लो 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 आगे लो भैंस की आंख नूब सोनेट, और लेफ्ट ही रहना आपको भाई, आप देख सकते हैं नल्ला ग्रेटर नोएडा का गोल चक्कर, कासना का, कासना क्या है मकोड़ा पकोड़ा जो भी है यहाँ पे भाई, ओ सॉरी तिलपता। और ये है तिलपता की ऑफरोड पैचेस जो सिर्फ रेन में होती है, आगे भाई यहाँ से नहीं है भाई, यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं है, आप आगे आइए, नहीं भाई हम आगे से गए थे थोड़ा, हम आगे से गए थे लेकिन शुरू यहीं से है ब्रो, हमें यहाँ से पता तो है नहीं, आप चलो गड्ढा देख लो एक बड़ा सा जो गड्ढा ही है, पर हम साइड से निकल लेंगे इसमें, तो यहाँ से वो पैच शुरू होता भाई, ये देखो भाई गड्ढा गंदा गड्ढा है, भाई डिस्क में मिट्टी अटक चुकी है, हमें आवाज आ रही है, लॉर्ड ऑल्टो को देखिए आप, बहुत दूर है मेरे फ्रेम से, बहुत दूर है वो, लॉर्ड ऑल्टो है और वो फुल थ्रॉटल में ऐसे चल रहे हैं, यहाँ से नहीं निकल पाए भाई, पर वो लॉर्ड ऑल्टो निकाल, ओ भाई बाय बाय, दिस इज सम, आप देख सकते हैं डिस्क में यही से भाई फोर आया लगा दिया हर्ष भाई ने भाई नॉर्मल मोड पे, मेरा कैमरा भाई मेरा कैमरा यार, कैसे दिखाओ पीछे हमारे तूने बाहर कर रखा था कि क्या तूने मोड़ा यू फूल, कपड़ा दियो ग्रे वाला मैं हर्ष साले आ अपने भाई रुक जा, तेरे पे कोई वो लिक्विड है ये रहा ना, ये किस चीज के लिक्विड है वो, ये क्या क्या, क्या है रेन रिपेलेंट भाई, छत पे तो नहीं गया कहीं, अबे यार इसको लॉक कर दे यार, ये तो बड़ा अलग सही सरफेस है इसका, तो मतलब इसकी फेस बन सी है इसमें, व्लॉग ऑन है भाई, अरे यार ये फोन का क्या हुआ है, रुक जा इस पे हमें कुछ पानी मारना पड़ेगा, नहीं ठीक है हट गया, ये किस चीज का स्प्रे है दूसरा वाला, सैनिटाइजर, अब सैनिटाइजर मारना कहां मारेगा कैमरा पे, बस भाई चमक चुका है वापस से, एक मिनट रुक जाओ, पर व्लॉग को कट करना पड़ेगा हल्का सा, खुद कैसे निकालती है बिना थोड़ा 4x4 भाई, ये तो बिना खुद ही निकाल रही थी, तो भाई टॉर की इतना गाड़ी में, तो भाई गंदी मिट्टी है भाई निकाल ले आगे से छत मेरी, बस अब यहीं से कर लो, गंदी मिट्टी है भाई, एंडेवर कैसे बीच में मुड़ गई, मुड़ गई बीच में भाई, यूटर्न ले लेंगे, हाँ यूटर्न लेते हैं अब भाई, तगड़ा
देख के भाई, गंदा ट्रैफिक है भाई यहाँ पर। लोड नहीं है भाई, जान दे लोगों को, हमें टच नहीं करानी बस अपनी गाड़ी। देख देख तो भाई हर्ष भाई ने भी ट्राई कर लिया पैच, कैसा लगा हर्ष भाई आपको? भाई स्कॉर्पियो मेक्स यू बिलीव कि तुम कहीं भी जा सकते हो। चलो भाई, आप एक ऐसे इंसान हैं जो जो अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज को एक्सप्लोर करने की इच्छा रखते हो भाई, और आपके पास 25 लाख रुपए हैं और आप एक जीप कंपस या फिर क्रेटा या फिर कोई अजीब सी गाड़ी देखने की कोशिश कर रहे हो, तो अपनी आंखों को टिकाओ एक स्कॉर्पियो एन पे और ले आओ। सही है भाई, 4x4 भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ जो थार रॉक्स आई है वो कैसी फील होती होंगी भाई, मतलब उनमें वेट कम, पावर इतनी। हाँ भाई, वो लॉन्ग व्हील बेस है भाई, वो तो यहाँ पे थार ट्राई करनी है दिव्यांश की। थार, हाँ भाई, मतलब वो भाई तो उनका एक्सपीरियंस उछल कूद में निकल जाएगी। थार है भाई, ऑल टेरेन टायर्स, अंदर से इन गाड़ियों को ऐसा बना रखा है कि भाई मेरे हिसाब से महिंद्रा ने, मतलब महिंद्रा की सौ, टाटा की तो खैर सौ बुराइयां करो, टाटा की सौ बुराइयां बनती भी हैं, लेकिन महिंद्रा की कुछ बुराइयों को नजरअंदाज कर सकते हैं हम उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से। मेरे हिसाब से महिंद्रा हैज डन इट भाई, क्योंकि महिंद्रा के इतने कुछ ग्लिचेस वगैरह भी नहीं आते जैसे टाटा के आते हैं। हाँ, वो सॉफ्टवेयर है जो मेजर इशू है स्क्रीन से, ये मेजर इशू नहीं है, मतलब डे टू डे में भाई अगर लॉन्ग ट्रिप पे होती है दिक्कत ऐसे, मतलब उतनी भी नहीं भाई जब तक इनमें कोई दिक्कत, सिर्फ अपने हिसाब से। हाँ मतलब जब तक गियरबॉक्स, भाई गियरबॉक्स और इंजन एक नंबर है महिंद्रा के, ये तो है, ये तो है भाई। देखिए इसको उल्टा आ रहा है, और ये डिस्क में हमारी मिट्टी भर चुकी है यार। बट तू ये सोचना, ये 22 लाख रुपए में, 23 लाख रुपए में मिल रहा है एक कंज्यूमर को, जो फॉर्चुनर देगी 50 लाख में, और है ही कौन सी गाड़ी उसके नीचे, महिंद्रा के अलावा कोई और भी ऐसी गाड़ी बनाता है? इतनी सस्ती नहीं है कोई, स्कॉर्पियो के बाद दूसरी 4x4 गाड़ी है कौन सी तुम्हारे? फिर वही आती है सुजू, वो ट्रक्स आ गए, हाइलक्स है, फिर फॉर्च्यूनर वाला, फिर फॉर्च्यूनर वाली कैटेगरी आती है, फॉर्च्यूनर ही आती है, फॉर्च्यूनर वाली कैटेगरी भी क्या फॉर्च्यूनर ही है। थोड़ी यहां पे हमारे डिस्क्रीन हो रहे हैं गड्ढों को देख कर रहे हैं यहां पे, ये गंदा पानी हल्का सा दबा रहा है। ओ बाइक वाला, ओ शिट शिट, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, ये क्या था? बस किया लकड़ी, लकड़ी अटकी है कहाँ? ओह नो, अरे भाई ये तो बड़ा लकड़ा है। हाँ बड़ा लकड़ा है, हटियो यहाँ से, बीच से इसमें था प्रेशर। ओ भाई ये तो मोड़ ही दी भाई, कती हैंड ब्रेक लगा, गाड़ी में खींचो। अच्छा अच्छा भाई, एडवेंचर इज हियर, कर आई आई क्या? भाई ये तो मोटी रही। अरे इसमें लगी है। हाँ। उस उधर की गैपिंग देखियो। सही है वो तो। हाँ ये थोड़ी मुड़ गई यहाँ से और कुछ नहीं। लोहा मोड़ दिया भाई लकड़ी ने। भाई हाथ धो ले अपने। पानी। जो काट रखे ना तने, देख ना साइड से, आ गई हूँ यहाँ, ले भाई इधर से दिखा गैपिंग। डेस्क से वापस से आवाज, गंदी आवाज रही डिस्क से।
भाई मेरे को उस 20 गाड़ी की रैली में जाना है क्योंकि पता है क्यों भाई, वो भीगना, बाहर निकलना, एक गाड़ी को निकालना, that would be too fun भाई। जैसे मान ले कोई मिट्टी में गाड़ी फंस गई और फिर सब अब सबको बाहर निकलना ही पड़ेगा, सबको क्या तीन लोगों को तो निकलना ही पड़ेगा। बिल्कुल भाई, भाई 2025 के लिए मैनिफेस्ट करते हैं कुछ, करो भाई करो आप। अभी हम पहले वॉशिंग की मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं तो वॉशिंग की मैनिफेस्ट करता हूँ। ओ भाई, अब आपको वॉशिंग पे मिलते हैं भाई। गाइस यहीं पे हमारा ब्लॉग खत्म हो रहा है, हम आ गए हैं गाड़ी को वॉश कराने। इसके डिस्क में से थोड़ी आवाज आ रही है, हम इसको कोशिश करेंगे डीप क्लीनिंग करें बाहर से। बाहर से डीप क्लीनिंग आप सोच रहे होंगे कि क्या होती है, आज पहली बार आप देखिएगा। ओ माय गॉड, द कार लुक्स अमेजिंग, इट हैज स्टार्टेड। और थोड़ी वॉशिंग मैं खुद भी करके दिखाऊंगा आपको। हाय हर भाई, खुद धो रहे हैं। हाँ पैड भाई। भाई इस व्लॉग को एंड करते हैं। शाश्वत भाई हैज जॉइंड अस विद हिज जी वैगन आर, नए टायर्स इसका वाले भाई। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और भाई जुड़े रहिए ऐसे कंटेंट को देखने के लिए। मानसून स्पेशल भाई, मज़ा आ गया भाई। अभी धुलवाई अब फिर गंदी हो गई। वो वाह।